हेलो एवरीवन, आप सभी ने द विक्टर 3 विलियन गेम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि इस गेम पर 60% ऑफ चल रहा है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो द विक्टर 3 विलियन गेम, यह गेम 18 मई 2016 को पूरी दुनिया के लिए पीसी, PS4 और एक्सबॉक्स वन तीनों ही डिवाइस पर यह गेम रिलीज हो चुका है। लेकिन हम इस गेम की पीसी की बात करें तो इस गेम की इस समय पीसी पर लगभग 60% प्राइस ड्रॉप हो चुकी है। आप इस गेम को खेल जाते हैं, इसकी 60% ऑफ चल रही है, तो आप इसे जल्दी से जाकर स्टीम पर खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस कुछ ही दिनों में फिर से 1000 रुपये के करीब हो जाएगी, जो इसकी पहले प्राइस थी। इसकी पहले प्राइस 1000 रुपये थी, 999999 इसकी पहले प्राइस थी, पर इसकी प्राइस ड्रॉप होकर 399 हो चुकी है, मतलब 400 रुपये इस गेम की प्राइस हो चुकी है। आप इस गेम को खरीदना चाहते हैं, आप इसे स्टीम पर जाकर खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल से आप उसे पीसी ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि इसकी पीसी ऊपर प्राइस बहुत कम चल रही है, इसमें सिर्फ 400 रुपये चल रही है। और इसे अगर PS4 या एक्सबॉक्स वन की बात करें तो उसकी प्राइस लगभग 1100 के करीब मिलेगी। तो हम इसकी स्टोरी की बात करें, इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इस गेम की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, एक एक्शन सर्वाइवल स्टोरी है। इस गेम के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है वो इसके अंदर जो बुरे लोग होते हैं उन्हें मारता है, यही गेम की स्टोरी है। इसके अंदर जो विलन होता है उस गेम के अंदर, इस गेम का जो मेन कैरेक्टर होता है वो उन्हें मारता है, उनके साथ फाइटिंग करता है, यही इस गेम की पूरी स्टोरी है। इस गेम को बनाया है CD प्रोजेक्ट ने। और इन गेम की बात करें तो इस गेम को अगर PC के अंदर खेलना चाहते हैं तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट गेम में खेलने के लिए आपके पास इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर होना चाहिए, वो भी 3.2 GHz की स्पीड के साथ। उसके अंदर आपको 8 GB की रैम की जरूरत पड़ने वाली है। और बात करें इसके अंदर ग्राफिक कार्ड की तो इसके अंदर आपको चाहिए GTX का 660 ग्राफिक कार्ड। और इसके हम स्टोरेज की बात करें, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपकी स्टोरेज 35 GB स्टोरेज चाहिए। हेवी ग्राफिक्स से बात करें तो इसमें आपको 35 GB स्टोरेज चाहिए, साथ ही साथ इंटेल कोर i7 का 3.2 GHz का प्रोसेसर चाहिए और 12 GB रैम चाहिए, और GTX का 770 इसमें आपको ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। तो आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आपको यह गेम जल्दी से जल्दी खरीदना चाहिए। इसकी प्राइस बढ़ने से पहले आप इस गेम को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गेम है। मैंने इस गेम को खेला है, बहुत बार खेला है, मेरे को यह गेम काफ़ी पसंद आया। तो आप यह गेम खेलना चाहते हैं तो आप इस गेम को स्टीम पर जाकर खींच सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आता है हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो लेके आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।